दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर फोन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ शॉप से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैंने कैसे इस बिजनेस को शुरुआत करी और कैसे मैं इस बिजनेस में धीरे धीरे करके आगे बढ़ता चला गया और उसके बाद में क्या ऐसे की पॉइंट रहे जिनको मैंने फॉलो किया है अब तक और आप लोग जिनको फॉलो करके अपने आप में अपनी सक्सेस में चार चांद लगा सकते हैं, तो मैं आप लोगों से बारी बारी करके चर्चा करता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी जो शुरुआत हुई बिजनेस से पहले, मेरे अगर मैं बात करूं तो मेरे पिताजी एक किसान है, जैसा माँ गुरु जी ने बताया, किसान परिवार में गाँव में मेरा जन्म हुआ और मैंने गाँव में ही रह करके 12वीं तक की पढ़ाई लिखाई करी। काम की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे मेरे पिताजी खेती करते थे, दादाजी खेती करते थे, दादाजी के दादाजी भी खेती करते थे, तो पुश्तों का एक ही काम था खेती करना और उसी में मेरी भी जिंदगी जा रही थी, वही अपना फावड़ा चलाना, दरांती चलाना, भैंस पालना और ये सारी चीजें रहती थी। उसके साथ में ही पिताजी ने एक छोटी सी मुझे दूध डेयरी खुलवा दी थी, मैं डेयरी को भी चला रहा था बिजनेस में जब मैं आया था, उससे पहले एक छोटी सी दुकान भी चलाता था और यही एक अपनी दुनिया थी और मैं इसके अलावा कुछ जानता नहीं था और इसके अलावा मुझे कोई समझ नहीं थी कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ, कुछ बन सकता हूँ, कुछ पा सकता हूँ करके। और इसी एक मतलब जो कहेंगे कि अपनी एक कुएं के मेंढक वाली जो जिंदगी थी, उस जिंदगी में इस बिजनेस की एंट्री हुई, सेफ शॉप की एंट्री हुई। मेरे गाँव के ही दोस्त श्री हरिंदर सर के द्वारा मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी मिली थी। आगरा से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, उस समय 18 साल की मेरी उम्र रही होगी जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा मुझे, बहुत सारी दिक्कतें रही। जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था तो उम्र कम थी तो लोग ज्यादा बहुत ज्यादा मुझे सीरियस नहीं लेते थे, किसी के पास में भी जाता था तो बच्चा समझ के मुझे रपटा देते थे और कोई मतलब इतना ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं था। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में काम करके, मेहनत करके, करीबन 3.5 साल काम करने के बाद भी अगर मैं बात करता हूं तो मेरा बहुत ज्यादा लेवल डेवलप नहीं हुआ था, मैं मुश्किल से गोल्ड बन पाया था, लेकिन मैं फिर भी सिस्टम में आता रहता था, मीटिंग में आता था, ट्रेनिंग में आता रहता था और सिस्टम के अंदर मैं लगातार अचीवमेंट देखता रहता था। महागुरु जी श्रीवाल साहब के चेक दिखता था, 1-1 लाख रुपए का महागुरु जी ने 96,000 का चेक, कभी इस तरीके से महागुरु जी चेक दिखाते थे अपने। महागुरु जी माधव सर के मैं अचीवमेंट देखता रहता था, महागुरु जी की गाड़ी आई, अल्टो महागुरु जी ने ली, तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी चीजें थी जो मैं अपने आंखों से अपने सामने इस कंपनी के माध्यम से होते हुए देखता था। महागुरु जी श्री विजयपाल सर की भी गाड़ी आ गई थी, फोर व्हीलर आ गई थी, पर्सनली उसमें तो मुझे बैठने का भी मौका मिलता था। तो मैं कहीं ना कहीं, मेरे पास बड़ी सफलता नहीं थी ये अलग बात है, बट लेकिन जो मेरे चारों तरफ जो एक माहौल था वहां पे मैं अपने मेंटर्स को देख पा रहा था कि उन लोगों के पास में सफलता आ रही है और कहीं ना कहीं उन लोगों की जिंदगी बदल रही है। दूसरी बात मुझे जो सबसे ज्यादा क्लिक करती थी, मेरे जो भी जितने भी अप्लायन है वो मैक्सिमम अप्लायन गवर्नमेंट जॉब से है। महागुरु जी श्री विजयपाल सर की बात करूं, चाहे माधव सर की बात करूं, ग्रेवाल सर की बात करूं, तो इन्हीं लोगों के संपर्क में मैं ज्यादातर रहता था। तो मैं सोचता था कि जब ये लोग गवर्नमेंट जॉब के होने के बावजूद अगर इस बिजनेस को इतने दमदारी के साथ कर रहे हैं तो मैं तो ठहरा एक गांव का देहाती बंदा और जिसकी कोई डिग्री डिप्लोमा भी नहीं है, जिसके पास कोई नौकरी लगना तो बहुत बड़ी बात, नौकरी लगने का कोई चांस भी नहीं है। तो जो लोग ऑलरेडी जो एक ड्रीम लेवल है उसको अचीव कर चुके हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में सरकारी मास्टर बनना एक बहुत बड़ी बात होती है और मेरी नजरों में वो बनने के बाद उसको छोड़ देना उससे भी बड़ी बात होती है। तो मैं हमेशा इन सब चीजों से इंस्पायर रहता था और मैं बिजनेस में बना रहा। कभी भी मैं किसी भी मीटिंग में, चाहे कैसी भी परिस्थिति रही, किसी भी तरीके की सिचुएशन रही, लेकिन मैं मीटिंग का हिस्सा जरूर बना। महागुरु जी लोगों का परम आशीर्वाद रहता था मेरे ऊपर। स्टार्टिंग में मैं बात करूं तो मुझे शुरू में ही इस बिजनेस में, जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था उसी समय मुझे 2005 में दिशा ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला था महागुरु जी श्री माधव सर के आशीर्वाद से। तो उस समय गोल्ड लेवल तक के लोगों को दिशा ट्रेनिंग मिलती थी, तो मेरी कुछ टीम कम थी लेकिन गुरुजी ने फिर भी मतलब मुझे अलाउ किया इस ट्रेनिंग में। तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार कभी रिजर्वेशन से यात्रा करी थी, ट्रेन में तो बैठा था लेकिन वो जो ट्रेन जो अपना रहता है कि पैसेंजर में ही बैठते थे अभी, और अगर बात करूंगा तो कोई बड़ी ट्रेन में तो कभी बैठे भी नहीं। पहली बार कभी घर से केरला एक्सप्रेस में नागपुर के लिए अपन लोग गए थे और कभी जिंदगी में मैंने तो इस तरीके की जिंदगी देखी नहीं थी। जो वहां जाकर के हम लोगों के लिए स्पेशल रूम था और जो एक ट्रीटमेंट जो वहां दिया गया था, मतलब एक ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो हम स्वर्ग में आ गए। लेकिन ये अरेंजमेंट तक तो ये सारी चीजें थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जो सब चीजें थी, अरेंजमेंट सारी चीजों को आप एक तरफ रख दो और दूसरी तरफ आपकी जो एजुकेशन थी,
महागुरु जी श्री संजय जैन सर के द्वारा हम लोगों को वहां ट्रेनिंग मिली थी, तो बारीकी से महागुरु जी ने एक एक चीज को बताया और हमें एक एक चीज का रास्ता बताया कि आज आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो वो आप अपनी प्रोग्रामिंग की वजह से हो, और अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो आप अपनी प्रोग्रामिंग को बदल के आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक उम्मीद जगी, एक होप जगी, एक कहीं ना कहीं एक ऐसा एक्साइटमेंट आया कि यार मतलब हम सोचते थे कि शायद हमारी किस्मत में ऐसा लिख दिया गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक लाइन, एक सेंटेंस जो हमेशा मोटिवेट किया कि हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से अपनी प्रोग्रामिंग करके अपने जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते, और वहां से एक कहीं ना कहीं एक एक चीज की बारीकी से ट्रेनिंग मिल चुकी थी, रास्ते मिल चुके थे, कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पे था, और मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी मैं जिंदगी भर, मतलब ऐसा नहीं था कि एक साल दो साल के लिए, मैं पूरे जीवन के लिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे पूरे लाइफ में मतलब जो है सेफ सॉफी करना है और यहीं पर कामयाब होकर के दिखाना है। मैं यहाँ एक चीज, यहाँ एक मैसेज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बहुत सारे कैरियर्स में जाते हैं और कोशिश करते हैं वहां अपना कैरियर बिल्ड करने की, लेकिन कभी भी आज तक किसी भी व्यक्ति का किसी भी सेक्टर के अंदर कैरियर बना होगा तो उसने जब अपनी पूरी जिंदगी वहां देने की बात करी है तभी जाकर के कैरियर बनता है। एक दो साल के लिए ट्राई मारने से कैरियर नहीं बनता। अगर सोनू निगम आज इतने अच्छे सिंगर हैं तो उन्होंने पूरी जिंदगी सिंगिंग के लिए नाम कर दी। विराट कोहली का नाम अगर हम क्रिकेट में इतना अच्छे से जानते हैं तो उन्होंने पूरी जिंदगी क्रिकेट के लिए कर दी। आमिर खान का, अमिताभ बच्चन जी का नाम अगर एक्टिंग में जाना जाता तो पूरा जीवन उन्होंने एक्टिंग के लिए कर दिया। और ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे मैसेज मिल चुका था। अब तक मेरी जिंदगी में कोई गोल नहीं था, कोई टारगेट नहीं था, लेकिन उस दिन उस क्षण मेरी जिंदगी में टारगेट बन गया, एक गोल बन गया कि मेरा जीवन अब आज के बाद एक ही है मिशन, मुझे अपने जीवन में डायमंड बनके दिखाना। उतार चढ़ाव बहुत आए दोस्तों। मैं अगर बात करूं, टीम बनी, टीम टूटी, और अगर मैं बात करता हूं मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा संघर्ष का एक पीरियड रहा। 2006 तक थोड़ा बहुत मेरे चेक आते भी रहते थे, लेकिन 2006 में मैं बात करूंगा अगर मिड में आकर के अक्टूबर के बाद में, तो मतलब मेरा 2006 अक्टूबर से तो बिल्कुल मेरे चेक बंद हो चुके थे। मेरा जो थोड़ा बहुत बैलेंस था जहां मैं काम कर रहा था वो खुर्जा में, वहां से उधर लेग मेरी लंबी हो गई थी, जो मेरी मथुरा वाली टीम थी वहां से मेरा पूरा बैलेंस खत्म हो चुका था और मुझे चेक नहीं आ रहे थे। और उस समय मैं फरवरी 2007 की बात करता हूं, तो मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में था, इतना ज्यादा परेशानी में था कि मैं बता नहीं सकता। और उसी वक्त में महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद से जैसलमेर में ट्रिप, कंपनी का टारगेट अचीवर्स की ट्रिप गई थी। तो इसमें सबसे बड़ा रोल रहा महागुरु जी श्री माधव सर का। मैं इसके लिए क्वालिफाई नहीं था, लेकिन महागुरु जी ने मुझे तालकटोरा स्टेडियम में बोला कि भाई टाइगर साहब कपड़े वगैरह लेके आए। मैंने कहा गुरु जी मैं कुछ नहीं लेके आया, आप आदेश करिए। कि बोले आपको बधाई हो, आपको जैसलमेर जाने का मौका मिल रहा है। तो मेरे अंदर जोश इतना था कि मैं एक जो कपड़े वहां पहन के गया था मैं उन्हीं कपड़ों में मैं वहां से निकल गया। अब मैंने कहा बस ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आप ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये वही ट्रिप का फोटो है। और वहां पे मैंने कहीं ना कहीं देखा जो लोग मतलब बिजनेस में मैं देख रहा था कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं चल रहा। वहां पे एक से तगड़े टारगेट अचीवर आए हुए थे, लोग जश्न मना रहे थे, बहुत सेलिब्रेशन कर रहे थे, और मैं वहां पे बस केवल उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था कि ऐसे क्या चीज है जो ये लोगों ने किया है और हम ऐसी क्या चीज है जो नहीं कर पा रहे। मैं आपको बता दूं महागुरु जी श्री माधव सर भी थे, सत्यन जी भी थे, राधेश्याम फौजी साहब थे, और महागुरु जी श्री नरसिंह अग्रवाल सर थे, महागुरु जी श्री ओम प्रकाश सर थे, सारे लोग थे। महागुरु जी लोगों का पर्सनल आशीर्वाद भी मिला ट्रेन में। महागुरु जी ने थोड़ी बहुत देर कुछ बैठ के बातचीत भी करी, समझाया भी महागुरु जी ने, मेरी मेहनत को नोटिस किया था, और उसके आधार पर महागुरु जी ने कुछ सलाह भी दी कि टाइगर आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी जिंदगी को थोड़ा सेटल करो, और आप इधर उधर जो चीजों में उलझे हुए हैं, आपकी एनर्जी इधर उधर बटी हुई है, आप उसे अपनी सफलता के लिए लगाओ। और मैंने वहां से एकदम प्रतिज्ञा करी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं कहीं उलझूंगा नहीं, इधर उधर कहीं अपने आप को भटकाना नहीं है, सफलता के ऊपर फोकस करना है। और दोस्तों मैंने लगातार मेहनत जारी रखी, संघर्ष फिर भी था, 2008 में भी संघर्ष जारी रहा, मेरे ऊपर कर्जा भी हो गया था बहुत तगड़ा वाला, लेकिन फिर भी मतलब मैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था कि होगा तो यहीं से होगा। 1 लाख चलने भी लग गई थी, 1 लाख से मेरे टारगेट भी होने लग गए थे, तो थोड़ी सी उम्मीद होती थी जब 1 लाख चल सकती है तो दूसरी लाख भी डेफिनेटली चलेगी, डेफिनेटली काम होगा। लोग नहीं मिल रहे थे, मुसीबतें बहुत थी, मतलब सिचुएशन ऐसी भी आ गई थी कि कर्जा इतना था कि घर वालों को मैं बता नहीं सकता था, खुद से मैं उसको चुका नहीं सकता था, आत्महत्या का भी विचार आता था, लेकिन जब मेरी शादी हो चुकी थी तो मैं कहीं कहीं
अपने आप को रोक जाता था कि भाई अभी मतलब न्यूली मैरिड हूँ और ये करना भी ठीक नहीं है। और सिस्टम में फिर से मुझे 2009 में एक बार और पुनः मौका मिला उसी दिशा ट्रेनिंग में जाने का माँ गुरुजी लोगों के माध्यम से। और वहां पे जब मैं गया तो वहां से फिर एक कमिटमेंट लिया, फिर से वो सब चीजें वो यादें ताजा हो गई और फिर से नई पारी खेलने की शुरुआत करी। और दोस्तों फिर मुझे काम करने का मौका मिला। आप ये देखिए मेरी स्टार्टिंग की ये फोटोग्राफ्स हैं, आप ये फोटोग्राफ देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन मान लेगा कि ये वहां से आने वाले टाइम में क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। लोगों को लगता है कि भाई ऐसे ही आए होंगे, तो मतलब मुझे खुद अपने फोटोग्राफ्स को देख करके हंसी आती है, इस तरीके की पर्सनैलिटी थी। और मुझे 2009 में ही उस बिजनेस में काम करने का मौका मिला, जोधपुर में मैं काम करने के लिए गया और वहां से मेरे काम ने टेक ऑफ करना शुरू किया। और जोधपुर में मुझे अच्छे दमदार साथी मिले और वहां से एक अच्छी टीम मिली। मागुरु जी लोगों की गाइडलाइन रही मेरे ऊपर परफेक्टली, हमेशा मुझे समझाते रहे, एक एक चीज के लिए बताते रहे। मेरा फुल कमिटमेंट था जब मैं वहां जोधपुर गया था कि मैं करने मरने के कमिटमेंट से गया था। मागुरु जी तीनों लोगों के जब तक साइन नहीं हो जाते थे तब तक मैं वहां से आता नहीं था। मागुरु जी श्री माधव सर, मागुरु जी श्री विजयपाल सर और मागुरु जी श्री ग्रेवाल साहब का जब तक परमिशन नहीं होती थी तब तक मैं वहां से कभी हिला नहीं, जब तक माँ गुरु जी लोगों ने नहीं बोल दिया कि हाँ जी अब आप घर जा सकते हो। और घर आने के पीछे भी कोई ना कोई मीटिंग वगैरह होती थी तो ही मैं घर आता था। और दोस्तों कमिटमेंट से काम किया, धीरे धीरे करके अच्छे अच्छे साथी जुड़ते गए। शैलेंद्र जी टीम में आए, जलंधर में काम शुरू हो गया। उसी दरमियान मुझे मौका मिला नेपाल, हम लोगों का ये टूर गया था, आप इसमें देख सकते हैं उस समय के हमारे फोटोग्राफ से माँ गुरु जी की भी फोटो है इसमें। ये पहली हमारी विदेश यात्रा थी, पासपोर्ट नहीं था तो माँ गुरु जी ने जुगाड़ करके बोला बिना पासपोर्ट के नेपाल ही जा सकते हैं, माँ गुरु जी नेपाल लेकर के गए थे। ये मेरी जो है थाईलैंड टूर था मेरा फर्स्ट टाइम जो मैं गया था, थाईलैंड गया था 2009 में, एमरल्ड लेवल पे मैंने टारगेट किया था, ये उस समय की फोटोग्राफ्स है। तो जब विदेश गया था तो मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके का एक्सपीरियंस लिया, फ्लाइट में बैठा और ये सब चीजें मेरी जिंदगी से कोसों दूर थी। ये वो मेरी टीम है जहां मैंने जोधपुर में स्टार्टिंग की थी, जिन लोगों के साथ मैंने बिजनेस को शुरू किया था। और मैं आपको बता दूं जी स्टार्टिंग में जब हमने लोगों ने वहां पे एक कमिटमेंट मीटिंग करी थी, एक कोर्ट ट्रेनिंग करी थी और माँ गुरु जी का समय भी लिया था हमने, माँ गुरु जी की मीटिंग भी करवाई थी, श्री माधव सर वहां पे आए थे, उसके बाद माँ गुरु जी श्री ग्रेवाल साहब भी आए थे। तो हमारी टीम को बहुत जबरदस्त एक एक्साइटमेंट था और उन लोगों की कोर्ट ट्रेनिंग करी थी। तो ये वो लोग हैं उस समय, इनका किसी का लीडर्स क्लब का, किसी का सिल्वर का, किसी का गोल्ड का, गोल्ड से तो शायद सैलेंज ही थे गोल्ड लेवल पे आई थिंक, और कोई नहीं था इनमें, और बाकी सब सिल्वर से नीचे नीचे के लेवल के लोग थे। एक कमिटमेंट वाली बात होती है और एक प्रतिज्ञा वाली बात होती है, उस समय ये प्रतिज्ञा ली और आज मैं उन्हीं लोगों को आपको दिखाता हूं। उनमें एक एक व्यक्ति जो लोग थे मैं उनमें बता देता हूं। पहला नाम मेरा खुद है, मैं आज खुद इस बिजनेस में 13-14 लाख की टीम का मालिक हूं, आज माँ गुरु जी लोगों के आशीर्वाद से। क्राउन एम्बेसडर मेरा जो टॉप लेवल है कंपनी में, मैं वो पिछले साल ही अचीव कर चुका हूँ ऑलरेडी। दूसरे थे इसमें शैलेंद्र जी जो ऑलरेडी क्राउन है बिजनेस के अंदर। इसके अलावा विकास यादव जी जो कि वो भी इस समय क्राउन है। इसके अलावा ओमबीर जी थे वो भी ऑलरेडी मरकरी है, आरबी पाल जी वो भी मरकरी है, शंभू कुमार जी वो भी मरकरी है, वाई एस राठौर जी वो बिजनेस है। तो कंप्लीटली जितने लोग उस मीटिंग में थे, एक एक व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, आप इसे फोटो देख लीजिए और आज के ये फोटोग्राफ देख लीजिए, एक एक व्यक्ति का जीवन बदल चुका है। आज ये सब लोग अपनी ड्रीम कार में चल रहे हैं, किसी के पास ऑडी है, किसी के पास बीएमडब्ल्यू है, किसी के पास जैगुआर है और आज ये अपने सपनों के घर में रह रहे हैं। ये एक प्रूफ है इस बिजनेस से जिंदगी बदलने का। आपसे 10-11 साल पहले की ये तस्वीर है और 10-11 साल बाद की ये तस्वीर है। आज पूरे तरीके से ये सारे आर्मी पर्सन थे, मैं एक सिविलियन था, मेरे ऊपर इन लोगों ने भरोसा किया, सारे लोग नौकरी को छोड़ करके आए, फुल टाइम बिजनेस को बिल्ड किया और मेरे सफलता में 4 चांद लगाए। ये मेरा पुराना फोटोग्राफ समय से ही है, 23 जुलाई 2010 को मैं रूबी बना था, मैडम भी मेरे साथ आई थी उस समय, मैडम ने बताया था। आप ये स्पीच यूट्यूब पे पढ़ा भी है, आप लोग सुन सकते हैं, उसमें 10-10 रुपए के लिए भी मैं मोहताज हुआ करता था। और इस बिजनेस में धीरे धीरे करके मेरा जीवन बदला। 3 अप्रैल 2011 को मैं इस बिजनेस में आगरा में सिल्क ग्राम में मेरी डायमंड प्रमोशन हो गई। ये मेरी डायमंड शिप के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मैं जुगाड़ करके निकाले कहीं से। तो
इस तरीके से इस बिजनेस में एक बंदा जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आया और धीरे धीरे करके जीवन बदलता चला गया। बात करूं जहां मैं एक 500 रुपए के चेक के लिए मोहताज था, सिर्फ शॉप में मेहनत और श्रद्धा का कमाल है कि आज इस बिजनेस में 7-7 लाख रुपए की कैपिंग का चेक भी मुझे नसीब हुआ है माँ गुरु जी लोगों के परम आशीर्वाद की वजह से। अब देखें एक एक महीने की इनकम 20-20 लाख रुपए की मैंने सिर्फ शॉप कंपनी से प्राप्त करी है। तो ये सारी चीजें हैं, न केवल मेरे साथ बल्कि जो मेरे साथ में जो लोग आए हैं उनका भी जीवन बदला है। जिन जिन लोगों ने भरोसा किया है सिस्टम के ऊपर, जैसे एग्जाम्पल के लिए विकास यादव जी हैं, इन्होंने सबसे पहले बिलीव किया, 7 साल की अपनी नौकरी को क्विट किया। काफी सारे लोग बोलते थे फौज में से कुछ चुरा के भागा है, गांव में लोग इस तरीके के एडवर्टाइजिंग करते थे, पागल हो गया है, सरकारी नौकरी छोड़ के आया है। इनके घर वाले भी अंगेश थे, मेरी बातों में आ गया है ऐसे ऐसे करके, मेरे से भी नाराज रहते थे। लेकिन आज वही विकास जी आज खुद की ऑडी कार में चलते हैं, शानदार जिंदगी, एक सेलिब्रिटी की तरह लाइफ को जी रहे हैं। तो ये विश्वास का फल है, इन्होंने भरोसा किया। ये शैलेंद्र जी हैं, आप ये देख सकते हैं, जिन्होंने आर्मी बैकग्राउंड से रहकर के बिजनेस के अंदर एंट्री ली, सिग्नल में थे ये और सिस्टम के अंदर आए, और आज आप देखिए ये BMW 5 सीरीज कार में चलते हैं। मथुरा के अंदर एक बहुत शानदार कॉलोनी में बहुत शानदार कोठी आज इन्होंने बनाई है, जिसका मैंने फोटो भी लगाया है यहाँ पे, और बहुत शानदार जिंदगी आज इस बिजनेस की वजह से जी रहे हैं। इसी श्रृंखला में जैसे कि मेरे साथ में ओमवीर जी आए, ये भी अपना 8वीं 10वीं कर करा करके फौज में भर्ती हुए थे, ज्यादा कोई नॉलेज नहीं थी बट लेकिन फौज में थे, सिस्टम पर भरोसा किया। आज देखो 60 जैसी कार है इनके पास, एंडेवर 400 वर्ग गज के अंदर इनका मथुरा जैसे शहर में बहुत बढ़िया अच्छी फोर्स कॉलोनी के अंदर बहुत अच्छा मकान है, और आर्मी में ड्राइवर थे और आज देखो यहाँ पे एक सेंसा वाली जिंदगी को जी रहे हैं, आज किसी धन्ना सेठ से कम नहीं है। एक और मेरे साथ में मेरे साथी आए मिस्टर लाल बहादुर शर्मा जी, जो बहुत ही गरीब व्यक्ति थे, जब बिजनेस में आए थे तो पैरों में ठीक सी चप्पल नहीं थी, और जिस व्यक्ति के पैरों में ठीक सी चप्पल नहीं थी, तन पर ढंग के कपड़े नहीं थे, जिनको सेफ शॉप को ज्वाइन करने के लिए जो अमाउंट चाहिए था उसको अरेंज करने में 6 महीने लग गए थे, और वो भी बेटी ने कुछ इंटर पास आउट किया था, वहां से जो पैसे मिले थे उससे इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, और आज वो व्यक्ति इस बिजनेस में 40 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर कार में चलता है। ग्रेटर नोएडा जैसी जो आज एक स्मार्ट सिटी के अंदर आज इनका 1 करोड़ रुपए का विला है खुद का, और आज 8-10 लाख रुपए महीने की इनकम लेते हैं और एक स्टार जिंदगी को जी रहे हैं। एक और हमारे दमदार साथी मेरे साथ में आए, मिस्टर कृष्णपाल चौधरी जी, जो कि राशन डीलर हुआ करते थे और बिल्कुल देसी आदमी है, राशन डीलर गांव में, और आज वही राशन डीलर आप देखिए ग्रेटर नोएडा के शिगमा में, आज इनकी बहुत जबरदस्त कोठी है 1 करोड़ रुपए की, जगवार गाड़ी में चलते हैं आज ये, और लाखों रुपए महीने की, लाखों रुपए हफ्ते की इनकम है। ये सीरीज बहुत लंबी है, मेरे पास इस तरीके के जैसे माकू जी ने बताया करीबन 150-200 डायमंड आज मेरे नेटवर्क में हो चुके हैं। ये हमारे रणवीर जी हैं, एक अपने आप में मिसाल है, आप दोनों फोटोग्राफ से देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, जब बिजनेस आए थे इनके दौरा पैर भी ठीक नहीं थे, अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो सकते थे, एक्सीडेंट में इनके पैर चले गए थे, और आज वो व्यक्ति इस बिजनेस की वजह से 23 लाख रुपए की गाड़ी में चलता है। आज इन्होंने 1 करोड़ रुपए का मकान मथुरा शहर में खरीदा है, लाखों रुपए महीने की इनकम है, सेंसा वाली जिंदगी आज इस बिजनेस की वजह से जी रहे। अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, ये सेफ स्टॉप बिजनेस अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल रहा है, और एक मौका मुझे भी मिला, जो बंदा इस बिजनेस से पहले हाथ में दराती और फावड़ा हुआ करता था, आज उस बंदे के हाथों में BMW कार है। ये मेरी धर्मपत्नी है, अगर मैं बात करूं सेफ शॉप बिजनेस में नहीं होता तो गांव में गोबर पाथ रही होती, कपड़े धो रही होती, या मेरे साथ दराती चला रही होती, कहीं खेत में फावड़ा चला रही होती। आज वही मैडम है, आप देखिए गिटार बजा रही है, ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं, सच में बजाती है, गाने भी गाती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कौन महिला होगी जो गिटार बजाएगी या गाना गाएगी, कहीं ना कहीं आज इसके पास समय है और पैसा है, सुखी है, इसलिए ये सब कुछ कर रही है, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलता। आज अपनी जो ड्रीम है उनको ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ने का मौका मिला है, इस तरीके की जिंदगी आज इस बिजनेस ने हमारी बदल दी है। अगर मैं बात करूं तो मेरी शादी हुई थी तो मैं 10 रुपए का भी कोई गिफ्ट अपनी मैडम को नहीं दे सका था, लेकिन आज इस बिजनेस की बदौलत यूरोप में घूम रहे हैं हम लोग, तमाम देशों में, रशिया में, यूरोप के कई सारे देशों में आज इस बिजनेस की वजह से घूम के आ चुके हैं। जैसे सेलिब्रिटी लोगों के, हीरो हीरोइन के जो फोटो देखते थे, आज ऐसे फोटो हमारा खुद का खिंचाने का मौका रहता है। अभी मैडम बोल रही है कान में, आप देख रहे हैं फोटो में, कंपनी दमदार है, छोड़ मत देना इसको कभी भी।
तो इस तरीके की जिंदगी है। कभी बॉम्बे की पटरी पर घूम रहे होते वो आज क्रूज पर घूम रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बिजनेस की कितनी बड़ी ताकत है। हम गांव से निकले हुए बंदे और आज इस तरीके की लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। तो ये घर है आज जिसमें मैं रहता हूँ, सेफ शॉप की बदौलत 5 बेडरूम का घर है। इसमें सारी सुख सुविधाएं मेरे परिवार के लिए, जो मथुरा सिटी के अंदर है, खाना नगरी के अंदर है, जहाँ लोगों का ड्रीम होता है ब्रज में रहने का, वहां पे मुझे अपना एक छोटा सा मकान बनाने का मौका मिला सेफ शॉप की बदौलत। तो कुल मिलाकर के जिंदगी एकदम पूरी तरीके से बदल चुकी है। कभी जीवन में सोचा नहीं था नजदीक से हम फरारी को देखेंगे। फरारी को कोई हमें हाथ भी नहीं लगाने देता, कोई फरारी पे हमें कपड़ा भी मारने के लिए नहीं रखता, पहुंचने के लिए भी नहीं रखता। मैं याद करूं तो जब स्टार्टिंग में मैं कभी बाइक चलाना नहीं सीखा, तो मेरी मौसी के लड़के वगैरह आते थे कभी बाइक वगैरह लेकर के, और अगर मैं उनसे बोलता था थोड़ा चाबी वगैरह दे दो, तो वो बाइक की चाबी नहीं देते थे, बोलते थे तेरे से नहीं चलेगी, गिर जाएगी। तो वो बंदे को जिसको कोई रिश्तेदार मोटरसाइकिल की चाबी नहीं देता था, वो बंदे को अंग्रेज ने फरारी की चाबी दे दी। आप देखिए सेफ शॉप का कमाल, जिसने कभी स्कूटर और मोटरसाइकिल की कभी चाबी नहीं पकड़ी थी, वो बंदे ने फरारी को पेरिस के अंदर चलाया, वो भी पेरिस में। तो ये एक सेफ शॉप की बदौलत इतने बड़े अचीवमेंट आज अपनी जिंदगी में एड ऑन हो पाए हैं। और मैं ये अपनी सारी की सारी सफलता का जो क्रेडिट जो देता हूं, जो भी आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूं, जो भी मेरे जीवन में अचीवमेंट है, वो ये 3 महान शख्सियत हैं जिनकी बदौलत मैं बना, माँ गुरु जी श्री नरसिंह अग्रवाल सर। पर्सनली मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा माँ गुरु जी का। कभी भी अगर मैं डिप्रेशन में रहा, मेरे अंदर कभी अगर हिम्मत नहीं रही माँ गुरु जी को कॉल करने की, लेकिन मुझे नहीं मालूम मेरे दिन अच्छे थे, मैं ये कहूंगा पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा, कि माँ गुरु जी की कॉल मेरे पास आ जाती। और माँ गुरु जी की जो कॉल आने की वजह से, जो माँ गुरु जी के जो मुझे 10 मिनट 5 मिनट का जो फोन पे आशीर्वाद मिल जाता था, वो हमेशा एक हिम्मत देता रहा मुझे। माँ गुरु जी ने मतलब इतना सपोर्ट किया कि मिस कॉल मार करके भी मैं माँ गुरु जी से लोगों की बात करा सकता था। माँ गुरु जी अगर कभी मथुरा से निकल के जा रहे होते थे तो बोलते थे 2 मिनट का भी अगर ट्रेन का स्टॉपेज है तो मैं प्लेटफॉर्म पर अपने लोगों को लेकर के खड़ा रहता था, माँ गुरु जी आते थे मिल के जाते थे। हर तरीके से हमेशा गुरु जी ने, पता नहीं मुझे नहीं मालूम मेरे अंदर क्या देखा, भरोसा कर लिया मेरे ऊपर और मुझे इस लायक बनाया, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। दूसरा मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ा रोल है वो माँ गुरु जी श्री माधव सर का है। एक टाइम का जब मैं देख रहा था मेरे चारों तरफ से, मेरे डाउनलाइन में अपलाइन में जब चारों तरफ से सारे विकेट गिरते चले जा रहे थे, मुझे इस बिजनेस में कुछ करना था, दूर दूर तक जब मुझे कोई व्यक्ति नजर नहीं आया, जब माँ गुरु जी श्री माधव सर नजर आए। माँ गुरु जी का इतना बड़ा विजन था, माँ गुरु जी की इतनी दूरदृष्टि थी, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा थैंक्सफुल हूँ माँ गुरु जी का। मुझे बिल्कुल छोटे भाई की तरह रखा, हमेशा मुझे वो प्यार मिला माँ गुरु जी के द्वारा, वो गाइडलाइन मिली माँ गुरु जी को, ये मैंने पूरा अधिकार दिया हुआ है माँ गुरु जी। मैं कभी अगर गलती करा तो उसके लिए डांटने का भी और मुझे पूरा प्यार देने का भी। और हर पल हर क्षण माँ गुरु जी ने मुझे तन से मन से धन से हर तरीके से सपोर्ट किया, मतलब एक केवल ये नहीं कहूंगा मैं कि केवल एक सूखा ज्ञान दिया, बल्कि हर जगह मतलब जहां मेरी दो दो की तीन तीन की टीम थी, जहां माँ गुरु जी का लेवल नहीं होता था, माँ गुरु जी के लाइफ में फैसिलिटी नहीं होती थी, वहां पे भी माँ गुरु जी मेरे लिए आए, रोडवेज बस से यात्रा कर करके माँ गुरु जी ने मेरी टीम बनाने में मेरी सपोर्ट करी। और इसी श्रृंखला में माँ गुरु जी श्री विजयपाल सर, जिन्होंने हमेशा मतलब अगर मैं कहूंगा मेरे साथ में रहे, मेरी बाइक की पिछली सीट पे बैठे, मेरी वेगनार की बराबर की सीट पे बैठे, जहां मैं बोला माँ गुरु जी को, आज तक मेरी कभी भी डिमांड हो रही हो माँ गुरु जी ने मुझे मना किया हुआ ऐसा मुझे कोई आज तक दिन याद नहीं है। और भरपूर सहायता रही है माँ गुरु जी श्री विजयपाल सर की, पैसे से भी मुझे सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया और हर चीज के लिए पॉजिटिव मतलब समझाया। कभी मैंने नेगेटिव होने की कोशिश भी करी तो माँ गुरु जी ने मुझे हमेशा करेक्ट किया। तो ये 3 लोगों का बहुत बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माँ गुरु जी आप लोगों का। जो मेरे आइकॉन रहे, जो मेरे रोल मॉडल रहे, जिनको मैं हमेशा दूर से देखता था, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे लिए एक मॉडल का जो काम किया है, जो एक हम लाइफस्टाइल जो जीना चाहते हैं, जिनको देख के हमने सपने बनाए हैं, वो माँ गुरु जी श्री संजय जैन सर हैं। जो चीजें आज हम देख पा रहे हैं, जो चीजें हम करते हैं, चाहे वो डायमंड सेलिब्रेशन हो, चाहे वो जीसा ट्रेनिंग हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसका जो एक मापदंड जो तय किया वो माँ गुरु जी श्री संजय जैन सर है। माँ गुरु जी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है शुरू से,
महागुरु जी बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं और जो बात बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं, और मैं शुरू से महागुरु जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और महागुरु जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी श्रृंखला में एक और महान शख्सियत जिनके व्यक्तित्व को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, महागुरु जी श्री राजीव चतुर्वेदी सर। इतना विशाल हृदय है महागुरु जी का कि मतलब मैं बयां नहीं कर सकता। मेरा ये सौभाग्य रहा है महागुरु जी के, कभी अगर मुझे नजदीक रहने का एक दो दिन का भी अगर मुझे मौका मिला, हर क्षण हर पल कुछ ना कुछ मुझे सीखने के लिए मिलता है। इतना शानदार व्यक्तित्व है, इतना बड़ा दिल है महागुरु जी का, बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं महागुरु जी किसी भी क्षेत्र में। मैंने आज इतनी उम्र होने के बावजूद भी महागुरु जी के अंदर नॉलेज का भंडार है। मैं कभी भी मोबाइल के फीचर को लेकर के फेसबुक में मेरे को कुछ नहीं आता था, महागुरु जी ने मेरी फेसबुक आईडी बनाई थी सबसे पहले। तो बहुत जबरदस्त मतलब नॉलेज का भंडार है। मैं सल्यूट करता हूँ महागुरु जी का, बहुत बड़ा सपोर्ट हम लोगों के लिए रहा। दोस्तों अब मैं बात करूंगा थोड़े 10-15 मिनट आप लोगों से, इस बिजनेस में क्या ऐसे की पॉइंट रहे जिनकी वजह से ये सफलता मेरे पास आई है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जब तक इस संसार में अगर हम कामयाब और सफल होना चाहते हैं, दुनिया आपको तब तक पसंद नहीं करेगी जब तक आप स्वयं को पसंद नहीं करेंगे। मुझे लोगों ने बाद में स्वीकार किया कि मैं डायमंड हूं, मैंने खुद की नजरों में अपने आप को स्वीकार कर लिया कि मैं डायमंड हूं। चाहे मेरा ढांचा कैसा भी रहा, मेरी पर्सनैलिटी कैसी भी थी, मेरी डिग्री थी कि नहीं थी, मुझे कुछ आता था या नहीं आता था, लेकिन मैं बोलता रहता था आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। ये जो मेरा जो भरोसा था, ये इस भरोसे ने मुझे इस बात का यकीन रहता था मैं 8 लाख कमाऊंगा। लोगों को नहीं लगता था कि मैं 8 लाख कमाऊंगा, लोगों को नहीं लगता था कि मैं BMW में चलूंगा, लेकिन मुझे लगता था। और ये मैं आपको सबसे पहला मैसेज देना चाहता हूँ, लोग दूसरे लोगों से पूछने के लिए जाते हैं कि सर आपको क्या लगता है मैं डायमंड बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ। आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है। आपको लगता है तो आप डेफिनेटली इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास एक दमदार कॉम्पिटिटर होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत रोना धोना रोता रहता था और मैं हमेशा शिकायत करता रहता था कि मैं तो एक बच्चा हूं, मैं कैसे करूंगा और मेरे बस की बात नहीं है। मैं बोलता रहता था महागुरु जी श्री विजयपाल सर का टाइम दिलवाओ, महागुरु जी श्री माधव सर का टाइम दिलवाओ। और एक दिन मैंने कंप्लेंट करने के लिए मैंने महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर को फोन किया, और मैं आज बताना चाहूंगा महागुरु जी की परमिशन रहेगी तो उस बातचीत को। कभी जिंदगी में महागुरु जी ने मुझे डांटा नहीं, महागुरु जी ने कभी भी आज तक मतलब मेरे लिए कभी ऐसा कुछ बोला नहीं, लेकिन उस दिन जब मैं कंप्लेंट कर रहा था तो महागुरु जी ने मेरे को एकदम सख्त लहजे में बात किया। महागुरु जी ने बोला तू है लटूरा। मैंने कहा यार ये ऐसे तो कभी बोलते नहीं थे, हमेशा गुरु जी तो सर जी कह के बात करते थे, आज क्या बोल रहे हैं। तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं गुरु जी? ये बोला हाँ, बोले यार ये तेरे बस का काम है ही नहीं, तू लटूरा है और तू कुछ कर नहीं पाएगा, और बोला तू ये उम्र का रोना रो रो करके ऐसे रोता रहेगा। और महागुरु जी ने उस समय कई लोगों के नाम लिए, मैं वो नाम नहीं आप लोगों को रिकॉर्डिंग पे है हम लोग, लेकिन कुछ लोगों के नाम मेरे जो हम उम्र थे उन लोगों के नाम लेके बताए, देख उस बंदे ने इतना तगड़ा किया हुआ है, वो फलाना सिटी बिल्ड कर रहा है, उसने ये टारगेट करके दिखाया और तू अभी भी बच्चा बना हुआ है। जैसे ही महागुरु जी ने उन लोगों के बारे में कुछ चीजें बोली तो एकदम से मेरा खून खौल गया और मैंने बोला महागुरु जी को कि अगर वो लोग करके दिखा सकते हैं तो डेफिनेटली मैं भी करके दिखाऊंगा। और महागुरु जी ने बोला सच बात यह है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम किसी से कंपटीशन कर सको, और जब तक तुम्हारे अंदर ये हिम्मत नहीं आएगी कि तुम कंपटीशन करो जब तक काम भी नहीं कर पाओगे। तो उस दिन मैंने महागुरु जी से बोला इस बात को कि महागुरु जी आज आप बोलो नाम बताओ कि मेरा कंपटीशन किससे रहेगा, और मैं आज से प्रतिज्ञा लेता हूं मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा, मैं कंपटीशन पे काम करूंगा। और महागुरु जी ने उस समय एक व्यक्ति का नाम लिया, मरकरी लेवल था उनका, आई थिंक वीनस या मरकरी लेवल रहा होगा, और मेरा खींच खांच के मैं सिल्वर या गोल्ड लेवल था मेरा, 200-250 की मेरी टीम थी। और महागुरु जी ने जैसे ही उनका नाम लिया बोला आपको उनसे कंपटीशन करना है, तो कई लोग रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन मैंने एक ही बात सोची अगर गुरु जी ने नाम लिया है तो इसका मतलब ये होगा जरूर। गुरु जी ने पूछा भी हाँ भी टाइगर ज्यादा हो गया हो तो बदल भी सकते हो आप, मतलब अपनी बात से मुकर भी सकते हो। तो मैंने कहा नहीं गुरु जी, अगर आपने नाम ले दिया, अगर आपने बोल दिया कंपटीशन अगर उससे है तो जिंदगी में ये मेरा प्रतिज्ञा है, ये मेरा कमिटमेंट है, साला आज के बाद अगर मैं जीऊंगा तो उस कंपटीटर को पीछे छोड़ने के लिए जीऊंगा। उस दिन के बाद कभी भी अगर मुझे ऐसे लगा मैं रुक जाऊं, मैं रेस्ट कर लूं, मैं मजे ले लूं, मैं गोवा चले जाऊं मैडम के साथ, कभी अगर मेरे को लगा मैं कॉफी कैफे में चले जाऊं, मैं यही सोचता था मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा, मेरा कॉम्पिटिटर तो काम कर रहा होगा, मैं साला मजे लेने में घुस गया और वो मीटिंग कर रहा होगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। वो दिन है कि ये दिन है, मैंने दिन देखा ना रात देखा,
मैं मैक्सिमम जितना काम कर सकता था मैंने महीने में 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन जब तक मतलब अगर जर्नी का टाइम को अगर आप निकाल दो बाकी टाइम में एक एक दिन में चार चार मीटिंग छह छह मीटिंग जो कर सकता था वो मैंने किया। तो मैं आज आप लोगों को ये क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ, जो असली मर्द का बच्चा होता है, जो असली माई का लाल है, वही अपनी जिंदगी में कॉम्पिटिटर डिसाइड करता है। और आज अगर आप इस मैसेज से कोई इस मीटिंग से अगर कोई मैसेज लेना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा अपना कोई कॉम्पिटिटर जरूर डिसाइड कर लेना जिसका रिकॉर्ड तोड़ के दिखाना है, वो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। काम करते समय प्रॉब्लम सब लोगों को आती है, बोला जाता है मुसीबत सब पर आती है और कोई मुसीबत में बिखर जाता है और कोई मुसीबत में निखर जाता है। प्रॉब्लम तो सबके सामने आने वाली है, मेरे सामने भी प्रॉब्लम आई, अगर वो प्रॉब्लम नहीं आई होती तो आज कोई कहानी नहीं बनती, उनका कहानी जो बनी है वो प्रॉब्लम की वजह से बनी है। दूसरी बात, हम एक्साइटमेंट में हमको डिसीजन लेकर के कॉम्पिटिटर तो चुन सकते हैं लेकिन हमारे पास एक करेक्ट प्लानिंग होना भी जरूरी है। अगर हम जोश में होश खो बैठेंगे अपने अपने हिसाब से कहीं भी भाग दौड़ कर रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो करेक्ट प्लानिंग अपने प्लान से लें आपको कहां पर रह करके काम करना है और जहां आपकी ड्यूटी लगाई जाती है पूरी श्रद्धा के साथ में आप वहां रह करके काम करें। आप अपना मैक्सिमम टाइम प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करें। मैं आपको बता देता हूं, मैं जोधपुर 3 साल 3.5 साल तक जोधपुर में रहा लेकिन कभी भी मैंने मेहरानगढ़ किला नहीं देखा, कभी मैंने उम्मेद पैलेस नहीं देखा जिसको लोग घूमने के लिए जाते हैं, मैं कभी भी मॉल में नहीं गया क्योंकि मैं वहां जो रहता था मैं वहां मीटिंग के लिए अपनी टीम के लिए रहता था और मेरी ये प्रतिज्ञा रहती थी जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं अपनी टीम को दे सकता हूं मैं प्लान फॉलोअप ग्रुप मीटिंग में अपना टाइम यूज करता था, बाकी फालतू चीजों में नहीं। अगर मेरे पास समय बचता भी था तो मैं किताब पढ़ने के लिए ऑडियो सुनने के लिए, महागुरु जी ने मुझे एक आईपॉड दे रखा था, मैंने उसमें महागुरु जी ने कई 100 ट्रेनिंग थी और मैंने वो पूरा सुन डाला, ट्रेन में बस में कहीं भी रहता था मैं उसी को सुनता रहता था। तो आपको मैक्सिमम ये देखना है 24 घंटे में आप काम तो सारे लोग करते हैं, बिजी तो सब रहते हैं लेकिन उस बिजी रहने में आपके प्रोडक्टिव आवर कितने हैं। जिसका हमें पैसा मिलता है वो हमारे प्रोडक्टिव आवर होते हैं, आपका आने जाने का टाइम प्रोडक्टिव आवर नहीं होता, मीटिंग से पहले के तैयारी का टाइम प्रोडक्टिव आवर नहीं होता, आपका बाद का बातचीत का टाइम प्रोडक्टिव आवर नहीं होता। मेन जिस समय आप अपना मेन काम कर रहे हैं जिससे आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो आपका प्रोडक्टिव आवर होते हैं। और बोला जाता है टाइम इज मनी, समय ही सबसे बड़ा धन है, समय आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना बड़ा आपको रिवार्ड मिलने वाला है। अगली बात मैं बोलना चाहूंगा, एक नेटवर्क जो बना रहे हम वो एक एथिकल टीम होना बहुत जरूरी है। टीम बनाना आप ऐसे हजारों की टीम बना लो लेकिन टीम के अंदर संस्कार नहीं होंगे, लोगों के अंदर अगर संस्कार नहीं है तो उस टीम को बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो हमें अपनी टीम को ये सिखाना ये समझाना जरूरी है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। गुरु जी लोगों ने हमेशा हम लोगों को ये चीज सिखाई, बहुत सारे लोगों को सफलता आती है तो महागुरु जी ने बताया 3 रास्ते रहते हैं आदमी जाता है, भक्ति शक्ति और आसक्ति। तो आपको भक्ति के रास्ते पर जाना है, जो चीज महागुरु जी लोगों ने हमें सिखाई वही संस्कार आगे तक डुप्लीकेट हुए। तो ये चीज हमेशा समझ लीजिए, इस बिजनेस की सबसे बड़ी सच्चाई है कि यहाँ सब कुछ डुप्लीकेट होता है। अब ये डुप्लीकेशन हमारे बिजनेस की एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इसलिए अगर आप अच्छा कर रहे होंगे तो अच्छा डुप्लीकेट होगा और डिसएडवांटेज इसलिए अगर आप गड़बड़ कर रहे होंगे तो वो गड़बड़ ही डुप्लीकेट होने वाली है, यहाँ सब कुछ डुप्लीकेट होता है। तो इसके लिए एक ही चीज है, अगर आप लोगों में परफेक्ट डुप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो लोगों के लिए अच्छा पहले मॉडल तैयार करो अपने आप को और जिससे लोग आपको कॉपी कर सके। बिजनेस रिश्ते बनाने का है, जितने अच्छे आपके लोगों के साथ रिलेशन होंगे आप उतने लंबे समय तक बिजनेस में टिके रहेंगे। महागुरु जी लोगों ने अपने परिवार को भी बाद में देखा, पहले हम लोगों को देखा। हो सकता है घर पे बात हुई हो ना हुई हो, तो अपने आप बन जाएगा। तो लोगों को आप जो है मशीन की तरह ट्रीट ना करें, लोगों को आप अपने भाई और अपने परिवार की तरह ट्रीट करें, ये सबसे जरूरी चीज है। और अगला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, कई लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भर्ती होते हैं लेकिन क्यों इतने सारे लोग यहाँ पे असफल हो जाते हैं। तो मैं एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि अगर हम दूसरी जगह से अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि अगर हम रेलवे को देखें या कहीं बैंकिंग सेक्टर को देखें या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देखें या आर्मी को देखें या पुलिस को देखें, कोई भी सेक्टर में आप चले जाओ, किसी भी सेक्टर में अगर लोगों को रिक्रूट किया जाता है तो पहले उन लोगों की ट्रेनिंग की जाती है, उनको काम बाद में सौंपा जाता है, पहले 6 महीने साल भर 1.5 साल 2 साल ट्रेनिंग दी जाती है
और उसके बाद में फिर बीच बीच में भी उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या होता है, हमारे यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को भर्ती कराने के लिए उनका कोई टेस्ट नहीं लेते, हम ऐसे ही भर्ती करा देते हैं और दूसरे दिन से वो व्यक्ति काम पे शुरू हो जाता है। मतलब वो कोई ट्रेनिंग का इंतजार नहीं करता, आप कितना भी लोगों को बोलो, और जब व्यक्ति बिना ट्रेनिंग के कोई भी काम करेगा तो क्या होगा, कई बार वो सीधा भी करता है, कई बार उल्टा भी करता है। हम लोगों को समझाते हैं एफआईएम के माध्यम से, आप ट्रेनिंग में आना, लेकिन हर कोई आदमी इतना इंतजार नहीं करता। और यही वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ट्रेनिंग के महत्व को नहीं समझते, इसीलिए इस बिजनेस में नाकामयाब होते हैं। और जो लोग ट्रेनिंग का महत्व समझते हैं वो डेफिनेटली कामयाब होते हैं। लोगों को अच्छी शुरुआत दीजिए, हर व्यक्ति इस बिजनेस में जो ज्वाइन होता है वो जसवीर बन सकता है, या वो विकास यादव बन सकता है, शैलेंद्र सिंह जी की तरह बन सकता है, लाल बहादुर शर्मा जी की तरह बन सकता है, लेकिन उनको परवरिश मिल जानी चाहिए जैसे हम लोगों को परवरिश मिली। अगर हम कहीं इधर उधर पैदा हुए होते तो शायद इस बिजनेस में इस मुकाम पर नहीं होते। तो आपके नेटवर्क में भी एक से एक दमदार लोग ज्वाइन करते हैं, उन लोगों को शुरुआत जो होनी चाहिए उनकी वो अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, उनको परवरिश अच्छी मिलनी चाहिए, उनका लालन पालन अच्छा होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। बींग ए अपलाइन हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैं बोलता हूँ अगर अपलाइन अगर आप हो तो अपलाइन की जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले सीखिए, सीखने के बाद कीजिए और करने के बाद ही सिखाइए। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है दूसरों को सिखाने चले जाते हैं, न तो प्रैक्टिकली किया होता है न खुद से उन्होंने सीखा होता है। ये थंब रूल है MLM के अंदर अपलाइन का, पहले सीखना है फिर करना है और करने के बाद ही लोगों को सिखाना है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कामयाब होंगे। अपने अपने लेवल पे हमारी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हमें अगर बड़ा काम करना है तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमें लेनी होगी बड़ी टीम बनाने की, दूसरी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए लोगों को सिखाने की, तीसरी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए लोगों की समस्याएं सुलझाने की, और चौथी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए लोगों को सफल बनाने की। आज तक आप जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स को देखेंगे जो आपके रोल मॉडल हैं, उनमें ये आपको चारों चीजें देखने के लिए जरूर मिलेंगी। उन्होंने बड़ी टीम बनाने की जिम्मेदारी ली, उनके कमिटमेंट की वजह से वो लोगों के फेवरेट बने, उन्होंने लोगों को सिखाने की जिम्मेदारी ली अलग अलग माध्यम से, आज भी वो सिलसिला जारी है उनका, लोगों की समस्याएं सुलझाने की। जब आप लीडर बनना चाहते हैं और आप लोगों की समस्याएं सुलझाने की बात करते हैं, अन्ना हजारे जी ने बोला कि भाई हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, तो लोग उनको इससे पहले जानते नहीं थे, लेकिन उनका ये समस्या सुलझाने की उन्होंने जिम्मेदारी ली तो लाखों लोग उनके पीछे पहुंच गए। आप भी जब लोगों की गरीबी दूर करने की, उनके कॉम्प्रोमाइज से बाहर निकालने की, उनकी किसी भी तरीके की समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी लेते हैं तो लोग आपके फैन हो जाएंगे, लोग आपको अपना रोल मॉडल मानने लगेंगे। और चौथी बात मैं बोलता हूँ लोगों को सफल बनाने की, अगर आप दो लोगों की जिम्मेदारी ले लो, एक लेफ्ट में और एक राइट में, आपने अगर ये जिम्मेदारी ले ली कि मुझे इन दोनों आईडी पे डायमंड देखना है, तो आप इस बिजनेस में डबल डायमंड ऑटोमेटिक बन जाएंगे। आपने कसम खानी है कि मेरी लेफ्ट और राइट वाली आईडी पे कैपिंग नहीं आई, साला मेरी इज्जत का सवाल है, इन आईडी पे मुझे कैपिंग लेकर के आनी है। आपकी आईडी पे तो कैपिंग कब की आ चुकी होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप ये चार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। हम लोगों को बेसिक काम को भी हमें कभी भी भूलना नहीं है। आज जितने भी लोग चाहे किसी भी लेवल पे हों, जो अपना बेसिक है, सचिन तेंदुलकर अगर इतने महान क्रिकेटर हैं, उनका बेसिक काम बल्ला घुमाना है, अगर बल्ला नहीं घुमाएंगे तो कोई उनको पूछेगा नहीं। अगर अमिताभ बच्चन का बेसिक काम है कि उनको एक्टिंग करनी है, अगर वो नहीं करेंगे तो कोई उनको पूछने वाला नहीं है। माकुर जी बोलते हैं धोबी कितना ही सीनियर हो, कितनी बड़ी पूछ माला हो, लेकिन कपड़े नहीं धोएगा तो उसको भी पैसे नहीं मिलने वाले। ऐसे ही नेटवर्कर चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अपने ये बेसिक काम जो फोर बेसिक होते हैं हमारे, ड्रीम लिस्ट प्लान और फॉलो, ड्रीम लिस्ट प्लान और फॉलो, जो बंदा ये चार बेसिक काम करेगा वो बंदा कभी चेक के लिए परेशान नहीं रहेगा। मैं महागुरु जी हमेशा अग्रवाल सर से सुनता रहता था कि मेरा कभी चेक जीरो नहीं हुआ, तो मैं पूछता था ऐसा कैसे गुरु जी, तो गुरु जी बोलते थे यार टीम जो काम करेगी वो करेगी, लेकिन मेरा अपना पर्सनल जितना कोटा है उतनी डीडी तो मैं हर हफ्ते भेज ही देता हूँ। और जब से ये बात मुझे समझ में आई कि भाई मेरा भी कोई कोटा है, मेरी भी कोई कैपेसिटी है जितना मैं कर सकता हूँ, तब से फिर मेरा भी चेक जीरो नहीं हुआ। तो आपका भी अपना ये बेसिक जिम्मेदारी है कि आप अपना एक टारगेट सेट करें, अपनी लिस्ट बनाएं और आप उस पर प्लान भी दिखाएं और लोगों का फॉलोअप भी करें। 10 कोर स्टेप का पालन करें हमेशा, खुद को कोर बनाएं, अपनी टीम में भी मैक्सिमम लोगों को कोर डेवलप करें। आपकी असली टीम वो नहीं होती जो इंटरनेट पर दिखती है, बल्कि असली टीम आपकी वो होती है जो कोर होती है, जो वेन्यू पर दिखती है, मीटिंग में दिखती है और सेमिनार में दिखती है। 3 कार्डिनल रूल का पालन करना है आपका, चाहे लेवल कितना भी बड़ा हो जाए। इस बिजनेस में मैंने देखा जितने भी धुरंधर हैं, कई लोग आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे,
वो बोलेंगे साहब मेरा लेवल डायमंड का था और मैंने सिर्फ सब छोड़ दिया या मैं नाकामयाब हो गया, कोई डबल डायमंड भी ऐसे भाषण दे रहा होगा। मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, किसी भी व्यक्ति का किसी भी लेवल पर अगर नेटवर्क टूटा है या कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हुआ है तो उसकी वजह जो होती है वो कहीं ना कहीं कार्डिनल रूल को फॉलो नहीं किया, इस वजह से टीम टूटती है। यहाँ डंके की चोट पे 15-16 साल से काम कर रहे हैं और दमदारी के साथ काम कर रहे हैं, कार्डिनल रूल को फॉलो करते हैं और कार्डिनल रूल को फॉलो करवाते हैं, मजाले की कोई बंदा बोल दे के साला असफलता मिल गई। और मैं आज आपको क्लियर कट मैसेज देता हूं, भले वो सामने वाला बंदा इस सच्चाई को स्वीकार ना करे, वो बातें बोल सकता है सेफ शॉप में कमी थी, अपलाइन में कमी थी, सिस्टम में कमी थी, असली बात ये नहीं है। अगर असली बात ये होती तो इसी कंपनी में महागुरु जी ग्रेवाल साहब, महागुरु जी जैन साहब, महागुरु जी चतुर्वेदी सर, महागुरु जी माधव सर, लाइन लगी पड़ी है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जगवार, मर्सिडीज, आप सौभाग्य प्रोग्राम के अंदर आपने देखा था लाइन लगी है, पार्किंग फुल हो गई, कितने सारे लोगों को सफलता कैसे मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी वही है, सिस्टम वही है, प्लान वही है। जो व्यक्ति कार्डिनल रूल का पालन नहीं करेगा उसको सफलता नहीं मिलेगी, कार्डिनल रूल पर जो डटा रहेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी। प्रगति सूत्र में इसके बारे में महागुरु जी ने बहुत डिटेल में बड़ी बारीकी से एक एक बात को लिखा है, आप उसको पढ़िए और उसका आप दमदारी से लोगों को भी पालन कराइए। और अगला स्टेप है 3 पावर्स। अगर हम लोग कामयाब होना चाहते हैं, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड और पावर ऑफ यूनिटी, इन तीनों चीजों को हमें समझना है और इन 3 पावर्स का इस्तेमाल करना है। जितने सक्सेसफुल लीडर हैं उनके पीछे ये वजह है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने इन तीनों कामों को किया। स्पोकन वर्ड का उन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया, यूनिटी को मेंटेन करके रखा और हमेशा सबमिशन रहे वो सिस्टम के लिए, अपने अपलायन के लिए, दैट्स व्हाई वो लोग आज इतने सक्सेसफुल हैं। और आप भी अगर ये काम करेंगे तो आप भी डेफिनेटली कामयाब होंगे। लोग, कई लोग इस वजह से भी नाकामयाब रहते हैं, उनके पास कोई एक अगला टारगेट नहीं होता, तो आप एक नेक्स्ट टारगेट लेकर के काम करो। कई लीडर जो है एमरल्ड टोपाज बनके एकदम से भ्रमित हो जाते हैं, कोई छोटी मोटी गाड़ी ले लिया या उन्होंने छोटा मोटा कोई ट्रिप करके आ गए, उसी में वो फटे जाते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा कि आपका टारगेट होना चाहिए आपकी अगली गाड़ी कौन सी होगी, और बिजनेस कार अगर आपने ले लिया तो ड्रीम कार का आप अपना टारगेट सेट करें। दूसरा, आपका ड्रीम हाउस, आपके अपना खुद का घर होना चाहिए, कब आपका अपना घर होगा आप उसके लिए टारगेट सेट करें। आपने विदेश यात्रा, अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर ठप्पा नहीं लगा है तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपका कब आपके पासपोर्ट के ऊपर ठप्पा लगने वाला है, ये प्रतिज्ञा लेकर के काम करना है, हर हाल में उस पर ठप्पा लगेगा। जाते जाते मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर आज आप कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द मेहनत से ज्यादा कमाई करने वाले हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जिंदगी में अगर आज हम लोगों को जितनी मेहनत करते हैं उतनी कमाई नहीं हो रही, टेंशन मत लेना, वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है कि जब आप मेहनत कम कर रहे होंगे लेकिन उससे ज्यादा आपको कमाई आ रही होगी, आपके पास पैसा आ रहा होगा। ऐसी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, आप लोग इस बिजनेस के अंदर नाम रोशन करें, एक से एक बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करें। मैं आप लोगों के लिए कामना करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।